नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। अपने आप को सेना का जवान बताकर जालसाज ने एक लीगल एडवाइजर से घर किराए पर लेने के नाम पर 95,000 रुपये ठग लिए। लीगल एडवाइजर ने घर को किराए पर देने के लिए एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके बाद इस जालसाज ने लीगल एडवाइजर को कॉल किया और घर किराए पर लेने की बात कही। जालसाज ने पहले कुछ पैसे भेजे, फिर एक QR कोड भेजा। जैसे ही लीगल एडवाइजर ने उसे स्कैन किया तो उनके अकाउंट से पैसे कट चुके थे। इसके बाद जालसाज ने अपना मोबाइल बंद कर लिया, जिसके बाद फरियादी शाहपुरा थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सर, एक शाहपुरा में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है सर, पूरा क्या मामला है, कौन आरोपी और किस तरह धोखाधड़ी की गई है? ये ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का मैटर है, जिसमें जो सामने व्यक्ति है, फरियादी है इस केस के, उनके द्वारा अपना मकान किराए पर देने के लिए कहीं अड्डा था। उस एड के तारतम्य में इनके पास एक फ़ोन आया, स्वयं को आर्मी वाला बताया और उनके द्वारा बताया कि ये क्लिक भेज रहे हैं, इस लिंक को क्लिक करके जानकारी बांटा उनको मकान किराए से लेना है। जैसे ही उस लिंक को क्लिक किया, ऑनलाइन इनका जो खाता है उसके द्वारा आरोपी के द्वारा एक्सेस कर लिया गया। उस मोबाइल धारक के द्वारा 95,000 रुपये इनके खाते से निकाल लिए गए हैं और इनके द्वारा जो केस रजिस्टर्ड कराया है उसी तारीख में विशेष टीम बनाई है, जिससे आरोपी की पता रसी करके इस गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके।